भाई तू वीडियोस के लिए इक्विपमेंट्स कौन से यूज करता है? व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये व्लॉग पूरा का पूरा मेरे ऊपर, मतलब मैं क्या यूज़ करता हूँ अपने वीडियोस बनाने के लिए, अपने शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए। तो मैं अपने इक्विपमेंट्स आपसे शेयर करूँगा कि मैं क्या यूज़ करता हूँ क्या नहीं, और कौन सा कैमरा, माइक, ट्राईपॉड वगैरह सब सब। तो सबसे पहली बात आती है कैमरा की। कैमरा मैं यूज़ नहीं करता, मैं यूज़ करता हूँ स्मार्टफोन, रेडमी नोट 8। बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, मैं इसको स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहा हूँ। 6 GB रैम, 128 रोम स्टोरेज, तो बहुत अच्छी है। इसकी वीडियो क्वालिटी भी आप मेरे वीडियोस में देखते होंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो मैं यूज़ करता हूँ और मैं इसका इनबिल्ट माइक ही यूज़ करता हूँ। सेकेंड बात आती है ट्राईपॉड। तो मैं ट्राईपॉड यूज़ करता हूँ, ये डिजिटेक का मॉडल ने मुझे याद नहीं है, पर मैंने एक पूरा का पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो इसका बनाया हो, तो आप नीचे जाके स्क्रॉल करके देख सकते हैं, आपको इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो मिल जाएगा, तो देख लो कौन सा मॉडल है। मैंने इसको मंगाया था अमेज़ॉन से, तो मुझे लगभग 400 रुपीज़ का मिला था, तो बहुत अच्छा है। मैं इसको फिल्म्स में यूज़ करता हूँ क्योंकि ये स्टेबल रहता है, अपना स्मार्टफोन इसमें फंसाता हूँ ऐसा लगाने के बाद। ब्लॉगिंग भी करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मैं फिल्म शूट करता हूँ, तो अच्छा है। इसके बाद आती है बात माइक की। अब मैं माइक यूज़ करता हूँ, ये वाला एक कॉलर माइक है, ये कॉलर माइक है लैपल माइक। इसका मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑफलाइन परचेस किया था, मुझे इसका रेट अभी याद नहीं है, फिर भी 250 के 300 के पास का ही है। ये है प्रोफेशनल लेवियर माइक्रोफोन, तो बहुत अच्छा माइक है। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में यूज़ करता हूँ, पर मैं फिल्म्स में यूज़ नहीं करता। भले इसका वायर बहुत लंबा है, पर मैं इसको यूज़ नहीं करता क्योंकि मेरा मन नहीं करता, क्योंकि इसकी ऑडियो क्वालिटी जो है ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी कैप्चर कर पाता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं कॉलर में लगा, तो बस ये इतनी फ्रीक्वेंसी करेंगे, अगर मैं दूर करता हूँ माइक को तो उतनी ऑडियो नहीं आती क्लियर। उसके बाद मैं यूज़ करता हूँ बोट का एयरडोप्स 131 ब्लूटूथ। ये मैंने परचेस नहीं किया था, मुझे गिफ्ट दिया था मेरे भाई ने, ये कुछ हुआ था 1300 के आसपास, 2 साल पहले मेरे बर्थडे पे। बहुत अच्छा है, इसकी वॉइस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, साउंड क्वालिटी बोल सकते हैं बहुत अच्छी है, मतलब बेस भी ठीक ठाक है। तो मैं इसका यूज़ करता हूँ 2 साल से, बस इतना ही। ब्लॉग्स वगैरह इसी से शूट करता हूँ, फिल्म्स भी इसी स्मार्टफोन से। इसे भी मुझे लिए हुए 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, अभी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। वीडियो एडिटिंग के लिए ऐप यूज़ करता हूँ, वो है VN, फ्री एडिटिंग ऐप है, बहुत अच्छा है, तो मैं ये यूज़ करता हूँ। जब तक मेरे पास लैपटॉप नहीं आता तब तक मैं मोबाइल में एडिटिंग करता हूँ, मैं इसी में एडिटिंग करता हूँ। और एक बात, जल्दी अभी माइक लेने वाला हूँ, प्लान बन रहा है उसका, तो माइक लेंगे फिर आपको उसका भी एक वीडियो देंगे कैसा है कैसा नहीं। कैमरा भी आने वाला है जल्दी, आएगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, पर एक दिन ज़रूर लेंगे कैमरा भी, क्वालिटी के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए। आपका सपोर्ट बना रहना चाहिए, तो जल्दी से आ जाएगा। बस इतना ही इक्विपमेंट्स मैं यूज़ करता हूँ। तो ये मेरे थे इक्विपमेंट्स और गैजेट्स, मैं सब फिल्म्स और ब्लॉग्स में यूज़ करता हूँ, बहुत हेल्प मिलती है, तो बस मैं इसको हमेशा साथ में रखूँगा इन सभी चीज़ों को। बस इतना ही। If you enjoyed this video, then make sure you subscribe this channel. और इस वीडियो का लाइक भी रखते हैं 50 लाइक्स, और जल्दी से मेरे 100 सब्सक्राइबर करा दो, स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।